हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष पिंचा एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बेस्ट कैमरा जो कि बहुत ही सेल हुआ है इन 2021। एंड अगर आप कैमरा बाय करने का सोच रहे हो, थोड़ा भी आपके माइंड में थॉट है या आपका फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर बाय करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करना, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एंड ये वाला कैमराज अगर बहुत ही सेल हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कैमराज बहुत ही पॉपुलर कैमराज है। आपको वैसे एक चीज़ और बता दूँ कि अभी मैं शूट कर रहा हूँ मॉर्निंग में, अभी मैं जयपुर में फिलहाल वहाँ शूट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की कि शूट करने का बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग में, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई झंझट नहीं, तो आराम से आप शूट कर पाते हो। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं मॉर्निंग में ही शूट करूँ। आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जहाँ मैं अभी शूट कर रहा हूँ वो मेरी पीजी की टेरिस है, तो अगर आपको मेरे पीजी के बारे में जानना है कि हॉस्टल कैसा है यहाँ पे और मतलब आसपास एरिया कैसा है, तो मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉग बना के रखा है, वीडियो बना के रखा है, ब्लॉग टाइप का वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो, आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको आई बॉक्स के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। तो इसी लिस्ट का फिफ्थ कैमरा है कैनन M50 Mark II। ये वाला कैमरा ब्लॉगर्स के लिए बहुत ही अच्छा कैमरा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आपको जो फोकल लेंथ है वो काफ़ी हाई मिलती है, आपको 15mm का फोकल लेंथ मिलता है, तो अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सेटअप होने वाला है। साथ ही में जो वीडियो रिकॉर्डर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस, तो बहुत सारे और फीचर्स हैं, तो बेसिकली वीडियो क्रिएटर्स के लिए ये कैमरा परफेक्ट होने वाला है। तो बात कर लेते हैं कुछ कैमरा स्पेक्स के बारे में। तो इसके अंदर आपको मिलता है 24.1 मेगापिक्सल का कैमरा, साथ ही में आपको मिलता है कैनन का Digic 8 प्रोसेसर जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड इसके अलावा ब्लूटूथ, NFC, वाईफाई सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। एंड अगर आपको और टेक्निकल स्पेक्स के बारे में जानना है तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो भाई ये वाला जो कैमरा था ये फिफ्थ कैमरा था जो कि इंडिया में बहुत ही सोल्ड हुआ इन 2021, तो अगर आप वीडियो क्रिएटर हो तो ये वाला कैमरा आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैमरा की तरफ। तो इसी लिस्ट के अंदर फोर्थ नंबर पे आते हैं दो कैमरा, जो पहला है वो निकॉन Z50 एंड दूसरा है निकॉन D7500। इन दोनों ही कैमरा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो निकॉन D7500 कैमरा बेस्ट है फोटोग्राफी के लिए क्योंकि इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी है, मेरे हिसाब से 900 शॉट्स लेते हैं पर चार्ज पे, अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही में कैमरा बहुत ही ड्यूरेबल है, तो अगर आप आउटडोर्स में शूट कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हो, तो ये वाला कैमरा आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा, मतलब काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी है इस कैमरा की। एंड उसी के साथ अगर बात करूँ निकॉन Z50 की, तो निकॉन Z50 वही कैमरा जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, एंड मैंने निकॉन Z50 के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना के रखे हैं, उन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एंड निकॉन Z50 के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो निकॉन Z50 वीडियोस के लिए बहुत ही अच्छा कैमरा है। इसके अंदर आपको मिलता है 209 ऑटो फोकस पॉइंट जिसकी मदद से आपको फोकसिंग बहुत फास्ट होने वाली है, एंड फोकसिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। साथ ही में जो बाकी टेक्निकल स्पेक्स हैं इन दोनों कैमराज की वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो मामला काफ़ी सिंपल है गाइस, फोटोग्राफी के लिए D7500 एंड वीडियोग्राफी के लिए Z50 बस। तो अपने इसी लिस्ट का नेक्स्ट कैमरा कैनन 200D Mark II। ये वाला कैमरा कैनन ने रिसेंटली लॉन्च किया एंड ये मिड रेंज के लिए बहुत ही अच्छा कैमरा है। ये कैमरा अप्रॉक्सीमेटली आपको 45-50,000 के अंदर मिल जाएगा, 40 तक भी मिल सकता है आपको अगर आप ऑफर में बाई करो। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेक्निकल स्पेक्स के बारे में। तो इसमें आपको मिलता है APS-C क्रॉप सेंसर, तो इस रेंज के अंदर जो भी कैमरा आते हैं उन सबके अंदर आपको क्रॉप सेंसर ही मिलेगा, फुल फ्रेम का तो कोई चांस ही नहीं है भाई, सेकंड हैंड लो तो अलग बात है बट नया कैमरा कोई चांस ही नहीं है आपको। एंड साथ ही में आपको मिलता है 24.1 मेगापिक्सल का कैमरा, ऑटो फोकस जो है वो है ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस, तो ऑटो फोकस भी काफ़ी फास्ट होने वाला है इस कैमरे का। एंड अगर आपको और स्पेक्स के बारे में जानना है तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इस कैमरा के बारे में मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इस कैमरा का एक फुल रिव्यू वीडियो निकालूं जिसके अंदर जो यूज़र्स जिसको यूज़ कर रहे हैं ऑलमोस्ट 6 मंथ से 4 मंथ से, तो उनसे एक डिटेल रिव्यू ले एंड उनसे जाने कि ये कैमरा आखिर कैसा है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है इस कैमरा को लेके। तो ये वाली वीडियो भी जल्दी आने वाली है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी लिस्ट का सेकंड नंबर कैमरा है निकॉन D3500 कैमरा, एंड इसका जो पुराना मॉडल था निकॉन D3400 कैमरा, वो वाला मैंने कैमरा 2 साल यूज़ किया था एंड बिलीव मी वो वाला कैमरा बहुत ही अच्छा था, बिगनर्स के लिए तो वो कैमरा परफेक्ट था। तो ये वाला जो कैमरा है ये इसका हाई वेरिएंट है निकॉन D3500 एंड डेफिनेटली आप अगर बिगनर्स आप बाय कर सकते हो। तो ये वाला कैमरा सेकंड मोस्ट सोल्ड कैमरा था इन 2021। तो अब थोड़ी सी टेक्निकल स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कैमरे के अंदर आपको मिलता है 24.2 मेगापिक्सल का कैमरा, APS-C क्रॉप सेंसर, साथ ही में ब्लूटूथ मिलता है आपको जिससे आप फाइल्स वगैरह ट्रांसफर कर पाओगे। तो अगर आपको और स्पेक्स के बारे में जानना है तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अपने लिस्ट के उस कैमरे की तरफ जो 2021 में बहुत ही सेल हुआ है एंड बहुत ही पॉपुलर रहा है। तो अपने इसी लिस्ट का जो फर्स्ट नंबर कैमरा है वो है कैनन 1500D, एंड इस कैमरे का सबसे बड़ा पॉपुलर होने का रीज़न है कि ये एक बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज के अंदर बहुत ही अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर देता है।
ये कैमरा अप्रॉक्सीमेटली आपको 30,000 तक मिल जाएगा। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये है कि कैमरा है जो 30,000 के अंदर आपको इतने फीचर्स प्रोवाइड करता है। निकॉन के D34 और बाकी कैमराज भी आते हैं बट उसका प्राइस रेंज हल्का सा हाई होता है, 35-40 तक मिलता है, बट ये वाला कैमरा आपको 30-32 मिल जाएगा। एंड ये वाला कैमरा बिगनर्स बहुत बाय करते हैं, बिगनर्स का ये कैमरा फेवरेट चॉइस होने वाली है। तो बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल स्पेक्स के बारे में। तो इस कैमरे के अंदर आपको मिलता है 24.1 मेगापिक्सल कैमरा, APS-C क्रॉप सेंसर, ऑटो फोकस बहुत ही नॉर्मल है, 9 ऑटो फोकस पॉइंट मिलते हैं जो कि ठीक ठाक वर्क कर देते हैं फोटोज के लिए। एंड वीडियोज के लिए कैमरा इतना अच्छा नहीं होने वाला। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो कैनन के लेंसेज हैं वो काफ़ी सस्ते आते हैं, काफ़ी अच्छे रेट्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। यहाँ निकॉन और सोनी के जो बाकी लेंसेज होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं कंपैरेटिवली, बट कैनन के आपको सबसे सही रेट के अंदर आपको लेंसेज मिल जाते हैं। तो अगर आपको और स्पेक्स के बारे में जानना है तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये था बस वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही में आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हैं जो कैमरा बाय करने का सोच रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो डेफिनेटली शेयर करना, ये वीडियो उनको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही में अब तो मेरे ब्लॉग्स पर के भी फोटोग्राफी रिलेटेड बहुत कुछ जान पाओगे, मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। साथ ही में आप मेरा फोटोग्राफी अकाउंट द लेजेंड लेंस भी चेकआउट कर सकते हो, उसका वेबसाइट का लिंक एंड सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो मैं मनीष पिंचा मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।